आला 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 मिनल पण येत आहे. तो यहां से अभी निकल गए मानेवाड़ा स्क्वेयर से दिगोड़ी ब्लॉगर ऑफ द ईयर दो दो मोबाइल लेके ऑन द स्प्लेंडर गजानन महाराज की चला. तो फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है. मैं हिमांशु गोरले नागपुरी ट्रैवलर चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. रात के अभी 2 बज गए, मैं सोया नहीं था, कुछ मेरे इम्पोर्टेंट काम थे वो कर रहा था. कल हमारी वो जर्नी फिर से एक बार चालू होने वाली है. आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला था. जो कुछ भी टोटल डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा पूरी की पूरी. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमारी जर्नी रहेगी और आगे का वीडियो रहेगा कि हम कैसे इंजॉयमेंट करके जाते हैं और एग्जैक्टली वो है कहाँ पे वो सब आपको दिखेगा और वहाँ का व्यू नेचर वो सब आपको दिखाऊंगा. मैं यहीं पे रोकता हूँ इस वीडियो को और फिर आपको कल मिलता हूँ मैं. तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग गया हूँ अभिषेक के घर पे जा रहा हूँ. वहाँ से इसको लेके हमें पहुँचना है मानेवाड़ा स्क्वायर पे. गड़बड़ ऐसी हो गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कल से रात से, तो सोचा कि थोड़ा सा दवाई ले लेते हैं. सोचा कि थोड़ा दवाई वगैरह ले लेते इसलिए अभी मेडिकल से आता हूँ. तो अभी अभिषेक के घर पे गाड़ी रख के जो मेन चौक है वहाँ पे अभी महेश और मिथुन वगैरह आ गए तो वहाँ पे जाएंगे अभी. तो देखते हैं अभी क्या होता है. तो और यहाँ पे अभिषेक के घर पे जैन खड़ा ही है. दिख रहा है हाँ यही है पहुँच गया है बंदा. आज अपने पास ये वाली गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर और ड्राइवर एक ये तो पक्का ड्राइवर ही है. तो यहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे. पीछे में है तो पीछे में बोला ना तो पीछे क्या हो रहा है. नाश्ता इसलिए करना है क्योंकि आगे जाके कहीं पे तो बहुत ही प्यारा आलू पराठा मिलता है बोलते हैं, तो वो भी खाना है. तो वहाँ तक के जाने के बाद भी हमारा पूरा का पूरा नाश्ता बच जाना चाहिए इसलिए अभी नाश्ता कर रहे हैं. हमारी जो दूसरी कार है वो पीछे से अभी आ रही है. राह दिख रही है हमारी. क्यों रे महेश भाई? सही भाई. क्या भाई? एक नंबर भाई. 5 मिनट हो गए हमको निकलते हुए, फिर भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला. लड़के लोग रहे तो तुमको तो पता ही है कितनी काली. तो यहाँ से अभी निकल गए मानेवाड़ा स्क्वायर से, डिगरी स्क्वायर पे पहुँच गए. वहाँ से अभी राइट लेंगे सीधा उमरेड रोड के लिए. हमारी जो दूसरी गाड़ी है क्रेटा हमारी नहीं है, जो हमारी नहीं है वो भी आगे में है हमारे और हम उसको फॉलो कर रहे हैं अभी. तो आज के हमारी मंडली जो है वो है अभिषेक जो पढ़ाई कर रहा है, ये देखो फाइल लेके बैठा है, और वहाँ पे जयन और उसी के साथ ही साथ कैमरा फ्लिप नहीं होता मुख्य अतिथि महेश वर्मा ने साथ में है डोको खाली कर रहे अभिषेक. और ये हमारे मुख्य अतिथि महेश वर्मा ने
और हमारे ड्राइवर मिथुन जी चिरपुड़े मेकअप क्वीन ए आले याचे ते आहे. अभी फिलहाल तो हम उमरेड में ही रुके. उमरेड से अभी निकलेंगे. बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं. ये निकल गई गाड़ी. गाड़ी निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई. इनका तो अभी कुछ खरा नहीं दिख रहा भाई. चल कम रहे और रुक ज़्यादा रहे. क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका. तो अभी कुछ नहीं, दो मिनट के लिए रुक ही जाते. अभी बाहर निकल जाता हूँ. आपन चालत कमी थांबत जास्त. अबे हो खरच है. वाघ है. खरच खरच वाघ है. कुठे होता? इकडे जा आत मध्ये. यहाँ पे टाइगर दिखा था हमें इसलिए रुक गए थे पर अभी दिख नहीं रहा. तो फिर से एक बार रुक गए. पता नहीं अभी कहाँ पे हैं हम एग्जैक्ट पर इतना पता है कि यहाँ से जो सेवन सिस्टर हिल है वो यहाँ से 4 किलोमीटर है सिर्फ. तो सब लोग वहाँ पे फोटो निकाल रही है. आलोन भाई याद लगला ना. मिथुन ले दिल्ली ना. अरे मिथुन ले पाठव लगा. हेलो हेलो बरोबर काम करणार त्याने मगाशी पासून म्हणा बरोबर काम करणार. एक फोन करून दे अभिषेक. तो अभी हमारी ट्रिप की शुरुआत होने वाली है और हम अभी ऊपर जाने वाले. तो ऐसे इतने सारे लोग हैं यहाँ पे. अरे पहले ऊपर जाने के पहले फ्रेश हो रहे सब लोग. यहाँ पे बैठा है थक के भाई. अभी भी ऊपर जाना है अपने को. ऊपर से ही तो आए हैं. ऊपर जाना है. किसको जाना है? पी अबे नीचे आ गए पान. अभी ऊपर जा रहे हैं. काच फोड़ला मनु म्हणतो माशो. काय म्हणते? रास्ते पे ही नजर होनी चाहिए वरना कांच अक्सर फूट जाते हैं. मेरी नजर मंजिल पे रहती है. रास्ते अपने आप निकल जाते हैं. हार्टबीट वाले खतरनाक व्यू है. बहुत ज्यादा व्यू. हालत हालत इसकी हालत देखो. यूट्यूबर की पसीने से लथपथ. अग्निपथ अग्निपथ. चलो मिनल काय म्हटलं? असं चढाच राहते ते त्या का बरं प्लीज डिसाइड करता. उसी में तो मजा है. उसका कुछ नहीं. मिथुन कैसा लग रहा है? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर अभी थोड़ा. बहुत ही अच्छा लग रहा है. साथ ही साथ हमारे साथ बीमार है एक मरीज. मरीज इधर देखो. कैरी करना पड़ रहा है पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अभिषेक तुम्हें कैसा लग रहा है? उसके बाद हम बताएंगे. चलो हमारे जो बाकी के दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए. वो आप जब भी ज्यादा प्लेस पे आओगे तो घर से नाश्ता खाना साथ
दो जन जा रहे साथी, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। और उन्हीं के साथी लोग और आ रहे यहाँ से। हम लोग आखिरी, हमारे पास कोई नहीं है। आपके साथ है ना? हाँ, मैं तुम्हें आपके साथ में। गिर जाऊं जी खंडी पत्थर वाले। हर हर महादेव। जैसे ऐसी चाह रहा है, ऐसे घंटे का लांच बनू ठोले रहते हैं। मैक्सिमम साइज कितने रहते हैं? क्यों ले? अनुकूल अनुकूल आमच्या सोबत पहिल्यांदा ट्रिप वरती आलेले आहे, तर कसं वाटत आहे तुम्हाला? कसं वाटत आहे? हो नाही, निसर्गरम्य वातावरणामध्ये येऊन आज आपण इथे खादाड खाई इकडे ते नऊ जण आहोत। फार सुंदर वाटतंय। माझी बायको, होणारी बायको, होणारी बायको श्रीमती निकिता लोळे सुद्धा इथे आलेले आहे। श्री काय म्हटलं ती ऐकून घे, श्रीमती निकिता मंद कंद इथे उपस्थित आहे आणि निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद इथे ती घेत आहे आणि मधातच रागावलेले होते। नाही, तो प्रत्येक मुलींचा तो स्वाभाविक गुण असतो, बाय डिफॉल्ट असतो त्यांच्यामध्ये, तो कधी पण ऑन होतो आणि कधी पण ऑफ होतो। आणि माझी हालत अशी झालेली आहे। हालत माझी।